कोमल जी को कहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा सीरीज बुक्स के बारे में बड़ा अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हमें सबको, वो सब कुछ रीड करना चाहिए, सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अमनदीप जी ने भी बहुत अच्छा बोला और धनपति जी ने भी मतलब काफी अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस प्लान के बारे में बताया। और जो हाँ जी, तो अपना जैसे आप सबको पता ही होगा कि अपना एमवे का जो है वो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है अपना, तो और इस मंथ मतलब कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं अपने ब्यूटी से रिलेटेड। अपना जैसे आर्टिस्ट्री का सीरम आया है और बहुत इन सफर्स को आप प्रमोट कर सकते हो। तो अपनी जो एक ऑफर है अगर आपको पता हो तो अपनी एमवे क्वीन के साथ भी आई है, जिसमें अपना जो एमवे क्वीन है उसके साथ हैवल्स का एक मिक्सर ग्राइंडर मतलब जूसर फ्री है, जो कि नियर अबाउट 6-7 हजार का है। तो आई थिंक जिनके पास एमवे क्वीन नहीं, मंदी भाभी आवाज क्लियर आ रही है? कट जाती है आपकी आवाज। नहीं मैडम, नहीं आ रही। नहीं हाँ, बीच में कट जाती है। आ रही है? अब हाँ, हुन शुरू को हुन आ रही है। हाँ आ रही है? ठीक जी, हाँ जी, अब आ रही है। है, तो अपना जो एमवी क्वीन है इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये अपना मतलब इसमें हम पांच मतलब यूटेंसिल्स आते हैं उसको काउंट करते हैं। तो अपना जो एमवे क्वीन है इसमें मतलब क्या है, मेनली इसमें जो तीन यूटेंसिल्स हैं वो मैं आपको एक बार इस पे थोड़ा शो कर देती हूँ। ये है, विजिबल हो रहा है सबको हाँ जी, हो रहा भाभी? विजिबल हो रहा है? है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ दिख रहा है। ये अपना 4 लीटर का अपना यूटेंसिल है, इसको अपना स्टोक पॉट भी बोलते हैं, या अपना मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम इसको अपना प्रेशर कुकर भी बोल सकते हैं। तो ये अपना 4 लीटर का है। इसी तरह से अपना एक है ये हाँ, अब सही दिख रहा है। ये अपना सॉस पैन है, ये अपना 2 लीटर का है, और एक अपना ये है, ये अपना मतलब छोटे पैन है। तो इन सब की खासियत मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है। अब देखिए जैसे थोड़ी सी बात करूंगी, हम मतलब ज्यादातर घरों में हमने देखा है कि हम कोई भी खाना बनाते हैं तो ज्यादातर आजकल हम टेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जब हम कोई भी वेजी या कोई भी रेसिपी बनाते हैं टेस्ट के चक्कर में उसका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन गायब हो जाता है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं हार्ट के पेशेंट्स आजकल काफी बढ़ रहे हैं, तो काफी टाइम से डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि आपको घी नहीं खाना है, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल यूज कीजिए। बट अब जब सभी लोगों ने रिफाइंड ऑयल स्टार्ट कर दिया यूज करना, तो अब कहने लग गए हैं कि इससे हमारे जो घुटने हैं घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो जाती है जब हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। तो मतलब अब हम करें तो क्या करें, ना तो हम खाने में घी यूज कर सकते हैं ना हम खाने में ऑयल यूज कर सकते हैं, तो फिर हम अब कैसे करें? और हम चाहते हैं कि हमारा खाना भी टेस्टी बने, लेकिन क्या होता है कि हम काफी लंबे टाइम से, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारा खाना बनता है वो हमारा घी या ऑयल में ही बनता है, तो हम कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुके हैं उसी टेस्ट के। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि सभी की हेल्थ भी अच्छी रहे, डॉक्टर्स की भी बात रह जाए कि वो हम घी और ऑयल यूज ना करें, और साथ में जो हमारे आम इंसान की जो भी उसकी टेस्ट को लेके जो भी उसकी बात है वो भी रह जाए। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपना एमवे ने अपने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि जिनमें अपना जो खाना है उसका टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है और बिल्कुल ऑयल फ्री खाना बनता है इसमें। तो आवाज क्लियर आ रही है भाभी? हाँ जी, आ रही है। तो इसमें अपना क्या है, इसकी खासियत क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर हम जो घरों में कुकर वगैरह यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है, वो एल्यूमिनियम का होता है। तो लेकिन कभी अगर अगर हमने कभी नोटिस किया हो तो जब हम स्टार्टिंग में अपना कुकर लेकर आते हैं, अगर आपने उसका वेट किया हो मेजर किया हो,
और मान लो नियर अबाउट 2 साल के बाद अगर हम उस कुकर का वेट करते हैं तो उसका वेट पहले से कुछ ना कुछ कम पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एल्यूमिनियम की कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे खाने के अंदर मिक्स होके हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो आजकल लोग हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो रहे हैं और वे एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि मतलब हार्मफुल है, मतलब जहर बना देता है एक तरह से खाने के अंदर। तो इसीलिए हमें एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत कम यूज करने चाहिए। और एक और जो आजकल चले हुए हैं हम नॉन स्टिक वाले जो बर्तन कहते हैं, बट नॉन स्टिक वाले बर्तन में हम ये सोचते हैं कि ऑयल फ्री खाना बनता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है वो उसमें उतर जाती है और वो उतर के खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो वो और भी ज्यादा हार्मफुल है। वो जो कोटिंग की जाती है वो टेफ्लोन नाम का एक मटेरियल होता है उसके साथ की जाती है, वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो अब करें तो क्या करें, तो हमारे लिए एमवे ने अपने जो एमवे क्वीन है उसकी कुछ ऐसी इसकी डिजाइनिंग ऐसी की है कि इससे हेल्थ भी अच्छी रहे और कोई हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी के अंदर भी ना जाए। तो ये अपना स्टील से बना हुआ है और इसकी खासियत है कि ये 3-ply और 5-ply, मतलब कि जैसे बाहर से देखने से ऐसे लग रहा है कि ये स्टील है सिर्फ, तो लेकिन इसमें एक्चुअल में इसके अंदर 3 लेयर बनी हुई है। 3 लेयर कैसे हैं, जैसे सबसे पहले बाहर मान लीजिए स्टील है और उसके अंदर एक कार्बन स्टील है, कार्बन को मिक्स करके एक स्टील बनती है और फिर उसके ऊपर एक और स्टील है। तो इस तरह से इसको हम 3-ply कहते हैं। लेकिन जो अपना सोटे पैन है ये वाला, जिसके अंदर मतलब हम ड्राई वेजिटेबल्स बना सकते हैं, सूखी सब्जियां जो कि पहले हम मान लीजिए कढ़ाही वगैरह यूज करते हैं जिसमें हमें कोई चीज भूननी है, तो उसके लिए अपना ये सोटे पैन आता है। ये 5-ply मटेरियल का बना हुआ है, मीन्स इसके अंदर 5 लेयर हैं जिसमें 3 लेयर वही अपनी स्टील की है, एक इसमें बीच में कार्बन स्टील है और एक इसमें एल्यूमिनियम की भी इन्होंने लेयर डाली है, ताकि क्या हो कि खाना चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो। क्योंकि देखिए जो हमारे दूसरे जो बर्तन होते हैं ट्रेडिशनली, उसमें हम क्या नोटिस करते हैं, सबसे जो नीचे वाला बेस होता है सिर्फ वही गर्म होता है और जो कि बाकी दीवारें होती हैं ऊपर एक ना कोई आरती या उनके पास आवाज नहीं जा रही, किसके मतलब लिंक में जा तो बोल रहे हैं, उनके पास ना आवाज नहीं जा रही, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं फिर मतलब लीव कर रहे हैं। क्या नाम है? आरती जी। हाँ जी, मैं कॉल कर दिनी हूँ उन्होंने। हाँ जी, आवाज नहीं जा रही, बार बार बेचारे ज्वाइन कर रहे हैं फिर मतलब लीव कर रहे हैं ना, और मतलब चैलेंज आ रहे हैं उन्होंने शायद। हाँ जी कंटिन्यू रश्मि जी। ठीक है, तो अपने जो बाकी हम घरों में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जैसे हम उसको जब नीचे से हीट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो उसका बेस होता है बर्तन का सिर्फ वही ज्यादा गर्म होता है। कई बार हमने देखा है कि इसके ऊपर सब्जियां चिपक भी जाती हैं, जल भी जाती हैं, बट अपने जो ये बर्तन है इनकी खासियत है कि इसमें चारों तरफ से दीवारों पर भी और बेस पर भी इक्वल हीटिंग होगी, अपना जो इसमें जो भी डिश है वो चारों तरफ से अच्छे से कुक होगी। तो ये अपनी खासियत है इन बर्तनों की। और इनकी 2 बातें और मैं बताऊंगी इसमें क्या है। अपने जो ये बर्तन है ये वाइटालॉक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी हम किसी खाने को जब पकाते हैं तो जब उसमें पानी से उसकी जो भाप बनती है, जब भाप उसमें से बाहर निकलती है, तो कुछ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी जो भी हम खाना पका रहे हैं उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसमें जो विटामिन होते हैं, वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे ये जो ये बर्तन है वो क्या करते हैं, उन विटामिन को अंदर लॉक करके रखते हैं, इसीलिए इसका नाम है वाइटालॉक टेक्नोलॉजी। और एक दूसरी बात ये है कि हमने ये यूटेंसिल सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मतलब यूज करने हैं, हमने ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखना है। तो इसीलिए इनके लिए एक वर्ड, अगर आप इसका देखोगे इसकी बुकलेट जो भी इसमें दिया हुआ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्ड यूज किया होगा आप देखना। तो इसका मतलब कि ये जिस तरह से मतलब पुराने जमाने में जो हम कहते हैं कि हारे के अंदर खाना पकना, मतलब धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे जो खाना पकता है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर होगी। हमने बिल्कुल मीडियम या लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, क्योंकि कुछ जो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे खाने के वो हाई फ्लेम पर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होता है जैसे विटामिन बी है जो,
वो मतलब पानी में से अगर हम उसको हाई फ्लेम पर रखते हैं तो विटामिन बी उसका खत्म हो जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे इस तरह से यूटेंसिल्स बनाए गए हैं कि विटामिन जो है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो अंदर ही लोक रहे। तो आई थिंक आपको ये यूटेंसिल्स यूज करने चाहिए। तो और इसकी एक और खासियत ये है कि जैसे आप इसमें एक के ऊपर एक रख के मतलब कुकिंग कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले अपना ये जो अपना कुकर एक तरह से ये रखा, उसके बाद आपने इसका ये इसका लिड होता है ये हटाकर आपने इसके ऊपर ये रख दिया और फिर इसके ऊपर आपने ये रख दिया। तो इस तरह से तीनों में मतलब इक्वल हीट जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर वाले को कम हीट पहुंचेगी। इस तरह से आपका क्या होगा कि आप तीन डिश एक साथ बना सकते हैं। तो और इसमें आपको इसके अगर हम थोड़ी सी कॉस्ट की बात करें तो एक बार हमें लगता है स्टार्टिंग में कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ये नियर अबाउट मतलब आपको 27,000 का पड़ता है ये सेट आपका। लेकिन इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें एक तो आपका ऑयल का कोई खर्चा नहीं होगा, दूसरा ये गैस को भी सेव करता है क्योंकि ये कम फ्लेम पर वर्क करते हैं। तो अगर हम इसको वो करें, इसकी गारंटी देखें, तो इसकी 30 साल की वारंटी है। मतलब कि अगर 30 साल के बीच में अगर आपका कोई भी बर्तन खराब हो जाता है तो मतलब कंपनी फुल आपको अच्छे से रिप्लेस करके देगी। तो 30 साल का एक तरह से आपकी हेल्थ का भी एक बीमा ही है क्योंकि जब आप ऑयल फ्री खाना बनाओगे तो आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तो इस तरह से आप ये मत सोचिए कि अगर आपने स्टार्टिंग में मतलब कि आप 27,000 रुपए लगा रहे हैं, बट आप ये सोचिए कि आप बीमारियों को भी अपने शरीर से, अपनी बॉडी से दूर रख रहे हैं। वो भी हमारी बॉडी के लिए एक इन्वेस्टमेंट ही है। और अब तो आप कर भी परचेज भी कर सकते हो क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है। अपना नियर अबाउट 6,000 to 7,000 का जो अपना जूसर ग्राइंडर है हैवल कंपनी का, वो फ्री आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।